भी निकाल के रख दो, मैं खुद चैप्टर चैप्टर निकाल लेता हूँ उसको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। सो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, बेटा सबको आवाज आ रही है? काइंडली रिप्लाई करें। हाँ जी, तो अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले आपने एक चीज मुझे बतानी है जनाब। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस भी की हुई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है जनाब? सब लोग काइंडली रिप्लाई करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है? हरिओम, सब लोग ट्राई करेंगे। हरिओम, सब लोग ट्राई करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें डिफरेंस बताएंगे ना आप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज फॉर द एक्सटर्नल, ठीक बात होगी जनाब। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूज के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट इंटरनल यूज के लिए होता है। और डिफरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास की ट्रांजेक्शन को, ठीक होगी। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर एक्सटर्नल, ठीक हो गया। ये कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट यहां से यही है, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट कैसे फ्लो कर रही है। तो कॉस्ट फ्लो में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अकाउंटिंग कौन सी यूज करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दो तरह की अकाउंटिंग यूज की जा रही है। हैंडबुक में भी मुझे ना अभी खोल दो तो बोला क्या, चैप्टर नंबर 1 खोल दो यार। चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के आंसर मेरे पास नहीं, ये होगा पेज यार। हां सॉल्यूशन खोल, इसमें चैप्टर 1 का सॉल्यूशन खोल देगा। अच्छा जी, हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस यहां से हमने आज स्टार्ट करना है। ये कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में हमारे पास थोड़ा सा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ से एक आइडिया दूं, फिर और फर्दर डिस्कशन भी करते हैं यहाँ पे। हमने ये देखना है कि कॉस्ट कैसे फ्लो करती है। कॉस्ट फ्लो के लिए, हाँ जी बेटा, बेटा सब लोग जरा देखें, आपको स्क्रीन शेयर की है क्या? आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही बेटा सबको? अच्छा, मैं जस्ट एक चीज देखना चाह रहा था। मेरे पास, मैंने आपसे डिस्कस किया था फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, जस्ट मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने वही चीज दोबारा आ जाए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एक तो हमने डिस्कस किया था परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम। एक दफा बेटा इस फेसेस को देखे जरा, यहां पे हमने बात की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा पीरियोडिक यूज करते हैं हम, पैरेलल अकाउंटिंग में हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करते हैं। परचेजेस कैसे की जाती है, इनका रिकॉर्ड कैसे होते हैं, हल्का सा एक आइडिया लें। हमने इसको यहां पे यूज करना है, अप्लाई करना है इसको हमने यहां पे। तो ये क्या चीज होती है, हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है और पैरेलल सिस्टम क्या होता है, पहले हल्का से इसको देखें। दो मिनट लें जैसे इसको आप, पीरियोडिक सिस्टम है और परपेचुअल सिस्टम है, फिर मैं आपको इस यहां पे सिस्टम क्या चल रहा है, इंटरलॉक में इंटीग्रेटेड उस पर आता हूं।
थोड़ा सा गो थ्रू करें बेटा इसको, थोड़ा सा। फिर हमारे पास यहां पे क्या था, एक और चीज मैं देखना चाह रहा हूं, जरा आपसे डिस्कस कर लूं। ये थोड़ा सा देखिएगा बेटा आप सब लोग, जस्ट दो तीन मिनट लें कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी बेटा, क्या बात की थी हमने सबसे पहले, ऑब्जेक्टिव हमने बात अभी भी की है कि हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। यूजर्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट हमेशा एक्सटर्नल यूज के लिए बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंट हमेशा इंटरनल यूज के लिए बनाया जा रहा होता है। मैंडेटरी बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी स्टेटमेंट बनाती है, और कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा ये मैंडेटरी नहीं होती, इंटरनल होता है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं होती। स्टैंडर्ड बिल्कुल ये स्टैंडाइज होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कोई स्टैंडाइज नहीं होती। स्टैंडाइज का मतलब क्या है कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें एसेट रखते हैं, लायबिलिटी, इक्विटी, ये सारा एक स्टैंडर्ड वे होता है हमारे पास। टाइम हॉरिजॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा वो पास्ट में चल रहा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा पास्ट की टाइम को कंसीडर करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमेशा पास्ट को भी कंसीडर करती है, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी कंसीडर कर रही होती है। फोकस क्या होता है हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये टोटल और कॉस्ट अकाउंटिंग पर अपने सेगमेंट पर काम करे होते हैं। प्रीसीजन क्या होता है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यानी IAS 2 और फ्लाफ्ला जितने उसके अकॉर्डिंगली बना रहे होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वो अपने डिसीजन मेकिंग से अपने माइंड से बना रहा होता है, जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा हो। रिपोर्टिंग टाइम उसका हमारे पास एनुअल अकाउंट्स बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं, हाफली बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग जब मर्जी बना ले तो उसकी मर्जी होती है। नॉलेज लेवल इसके लेस होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज लेवल हमेशा ज्यादा होता है इसमें यूज करने वाले बंदे का। डील्स विद वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डील करता है, ये बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों को डील कराता है। सवाल ये है अब आपके सामने, आपसे यहां से हम थोड़ी बात स्टार्ट करते हैं। देखिए एक है फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, दोनों के सिस्टम को हम अलग अलग लेके चल, दैट इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम, कि इसमें लॉक लगा दे कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो जो चीजें बना रहा है ये अपनी सेपरेट बनाएगा, अलग से बना रहा होगा, और कॉस्ट अकाउंटेंट ये अपनी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो भी चीजें बना रहा है मीन अपने जो भी अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए जो भी वो डेटा यूज करता है, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है। देख लें कॉस्ट अकाउंटेंट हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा होगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा यहाँ। तो कॉस्ट अकाउंटेंट जितनी भी स्टेटमेंट बना रहा है, जो भी डेटा बना रहा है, जो भी वर्किंग कर रहा है, हम हो सकता है इसको अलग से वर्किंग करें, यानी इसके लिए अलग से हम सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलप करें, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम अलग से एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम डेवलप करें, दोनों को हम सेपरेट सेपरेट भी मैनेज कर सकते हैं। तो इनके फिर अकाउंट्स अलग अलग बनेंगे, इनकी डबल एंट्रीज अलग से होंगी, जनरल लेजर्स अलग से होंगे, बाद में इनको कंबाइन किया जा रहा होगा।
So that is called interlocking system. के दरमियान में इनमें lock लगा हुआ है, interlocking system. ये दोनों अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग से बनाए जाते हैं, अलग अलग से इनको मैनेज किया जा रहा होता है. एक होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, इकट्ठा लेके चलना. तो इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट एक ही सिस्टम पे काम करते हैं. यूं कह लें कि आप एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं. जब एक ही सिस्टम पे और एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो देन हम इनको बोलते हैं कि इंटीग्रेट कर दिया, हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, कि ये एक ही सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं और एक ही वो सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने इनको इंटर यहाँ पे आपस में कंबाइन कर दिया जनाब. ठीक होगी बात? ये तो थोड़ा मैंने एक ब्रीफ आपको आइडिया दिया कि इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है और इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होता है. तो ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं कि हम जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दोनों कंबाइन करके भी लेके चल सकते हैं और दोनों को सेपरेट सेपरेट भी मैनेज किया जा सकता है. ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बात आती है. अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि कॉस्ट और एक्सपेंस में फर्क क्या होता है. हाँ जी, आपके सामने है भी थोड़ा सोचो, मुझे रिप्लाई करें, मुझे पता है ये आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है यार, किसी भी इंटरव्यू में यार कॉस्ट और एक्सपेंस में फर्क क्या होता है. कॉस्ट इज एन पार्ट ऑफ एन एसेट कह सकते हैं जनाब. एक्सपेंस क्या होता है? तो थोड़ा डिफरेंस बेटा इसमें एक्सपायरी का है. यानी अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, अब रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है तो हमने कॉस्ट इनकर की. रॉ मटेरियल कभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी यूज नहीं हुआ, अभी हमने परचेज किया है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे और फॉर द टाइम ये हमारा एसेट भी है, लाइक इन्वेंट्री भी है हमारे पास, तो हमने इसको यूज करना है. यानी जो एक्सपेंस जो एक्सपायर्ड हो चुका होता है, यानी एक्सपेंस बोलते हैं ऐसी कॉस्ट जो एक्सपायर हो चुकी है, जैसे एसेट की डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हो चुकी है, एसेट की इंपेयरमेंट है, एसेट की वैल्यू में कमी है, या जो कोई एक्सपेंस हमने लगा दिया, खर्चा हो चुका हुआ है, तो उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं. एक्सपेंस इज बेसिकली द एक्सपायर्ड कॉस्ट. एक्सपायर्ड कॉस्ट जो जो कॉस्ट होती है, जनरल हम बात करें तो एक कॉस्ट हम उसे बोलते हैं वो तमाम आइटम्स जो हम कॉस्ट लगा रहे होते हैं जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुए, अभी तक एक्सपायर्ड नहीं हुए और हम वो कॉस्ट लगा रहे होते हैं, तो वो क्योंकि अभी एक्सपायर हुए नहीं और हम कॉस्ट लगा रहे होते हैं, तो वो लाइक हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, हमने लेबर को हायर कर लिया, हमने फ्यूचर में लाइक हमने कुछ चीज परचेज कर ली, वो कॉस्ट अभी वो प्रोडक्ट अभी यूज नहीं हुई, उसे हम कॉस्ट का नाम देते हैं. तो कॉस्ट का एलिमेंट हम वहां पे नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं. हाँ जी, यहां तक बेटा कुछ आइडिया हो गया आपको? अच्छा जी, अब बात यह है कि हम एंट्रीज हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, मैंने थोड़ा एंट्रीज पे बात करनी है डिस्कशन पे. हमने सबसे पहले हमने एंट्रीज पे बात स्टार्ट करनी है. जब हम अच्छा एक मुझे चीज बताएं, हम जब डायरेक्ट मटेरियल परचेज करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, तो एंट्री क्या करते हैं जनाब? जल्दी सब लोग दिमाग खिलाएंगे जरा, अभी बाद में आऊंगा कि इंटरलॉकिंग या इंटीग्रेटेड या कैसे कैसे चलते हैं. हमने मटेरियल परचेज कर लिया तो मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल किस कहां जाता है और इनडायरेक्ट मटेरियल कहां जाता है. बरल पहले हमने मटेरियल परचेज किया तो हम एंट्री क्या करेंगे? हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज कर लिया तो व्हाट विल बी द डबल एंट्री? अब हमने बताना है कि कॉस्ट फ्लो कैसे करती, कॉस्ट फ्लो पे जाना है. हम कह रहे हैं इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट करेंगे, ठीक है, या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट इसको डेबिट कर दें और पेबल्स को क्रेडिट कर दें, ये भी ठीक है, या कैश को क्रेडिट कर दें, ये भी ठीक है. तो मटेरियल्स टू पेबल या कैश टू मटेरियल टू कैश कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम मटेरियल अकाउंट को डेबिट कर रहे होते हैं. ठीक है, हमने मटेरियल परचेज कर दिया, डन होगी बात, बिल्कुल ठीक है आपकी बात. अब मुझे ये बताएं कि ये हमने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इश्यू किया जनाब, हमने ये जो मटेरियल परचेज किया है, अब हमने पहले ही हमारे स्टॉक में था, हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में ये मटेरियल पड़ा हुआ है, अब हमने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये मटेरियल इशू कर दिया है. जब ये अब इशू करेंगे तो इन्वेंट्री से निकल जाएगा ये, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला जाएगा, इस्तेमाल होने लग जाएगा. तो जब हम मटेरियल इशू करेंगे तो देन एंट्री क्या पास करेंगे? ये डायरेक्ट मटेरियल है तो व्हाट विल बी द डबल एंट्री? जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो व्हाट विल बी द डबल एंट्री?
सब लोग सोच के मुझे बताएंगे। दो एंट्री आपने मुझे बता दी, अगर डायरेक्ट मटेरियल इश्यू करते हैं तो फिर एंट्री क्या होगी, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू करते हैं तो फिर एंट्री क्या होगी। सब लोग हरी अब सब लोग माइंड चलाएंगे इसके ऊपर। सब लोग ऑल ऑफ यू शुड रिप्लाई बेटा, ये हमारी बेसिकली इसमें डिस्कशन ही एंट्रीज के ऊपर ज्यादातर। तो बिल्कुल जनाब ठीक है, आप कुछ बच्चों ने एंट्री की जनाब, हमने ये डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है, वही डिस्कशन कि अगर डायरेक्ट मटेरियल इश्यू होता है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, कि वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे, और जो अगर पहले हमने इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया तो इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो भी हमने नाम रखा हो तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम यहां पे वर्क इन प्रोग्रेस विल बी डेबिट फॉर द डायरेक्ट मटेरियल, और हमारे पास इन्वेंट्री या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया है तो हमारे पास इनडायरेक्ट के लिए हम वो जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाता है हमेशा। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट विल बी डेबिट, और हमारे पास इनडायरेक्ट हम यहां पर जितनी भी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट विल बी क्रेडिट हियर। ठीक होगी बात यहां तक। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर हम डायरेक्ट लेबर को पे करते हैं, डायरेक्ट लेबर को हमने हायर किया है, और डायरेक्ट कोई भी लेबर है, लेबर को हमने पे किया है या हमने पे करना है, उसकी सैलरी अक्रू हो गई है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया था, मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट लेबर को हम पे करें तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? अगर क्रेडिट पे परचेज अब उसको चलाते हैं वो क्या होगा, और अगर हम उसको उस पर चला रहे हैं, अगर हम उसको कैश पे चला रहे हैं, वेजेस टू कैश, ठीक है बिल्कुल। सब लोग हरी अब सब लोग इंगेज हो जरा। अगर हमने इनको पे नहीं किया, इनकी सैलरी अक्रू हुई है, जस्ट अक्रूवल अक्रूवल बेस पे बताएं, चलिए उसमें हम पे बेस को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा ये मुझे बताएं कि हमारे पास वेजेस कंट्रोल काम ठीक है, हमने इसको एलोकेट करना है कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी और इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी। सब लोग जल्दी हरी अब सही चल रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहां ट्रांसफर होती है, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहां ट्रांसफर होती है? बिल्कुल डायरेक्ट लेबर वर्किंग प्रोग्रेस में जाएगा और इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास ओवरहेड्स में जा रहा होगा। ये बात बिल्कुल ऐसे ही बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली होता नहीं, अगर हो तो वर्किंग प्रोग्रेस में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे पास होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जा रहा होता है। ठीक हो गया बिल्कुल सही चल रहे हैं। अभी मैं इस पे आता हूं जरा। अच्छा मैं चाह रहा हूं मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करूं, वो क्या है मेरे पास थोड़ा सा आपको आइडिया कि ये जितनी हम कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
नॉर्मली हम जब प्रॉफिट चला रहे होते हैं तो कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मेरे पास ये चैप्टर अभी तक नहीं खुला हुआ यार। अच्छा खैर चले छोड़ो, नहीं जब हम टॉपिक पे आते जरा, ये आपके सामने स्टडी टेक्स्ट है और स्टडी टेक्स्ट जरा मैं आता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें डबल एंट्री ज्यादा है और टी अकाउंट सब चीजें हैं, थोड़ा बुक कीपिंग का ये चैप्टर है हमारे पास, तो ये थोड़ा सा हटके है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन कोई नहीं हमें सारी बातें डिस्कस करनी। सबसे पहले उसने कहा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अकाउंट्स बनाने के लिए जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं वो सारी सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना। अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है? इससे जस्ट काम कॉस्ट को कैलकुलेट करना, व्हाट विल बी द डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट विल बी द डायरेक्ट लेबर, व्हाट विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंस, जस्ट कैलकुलेट करना इज द कॉस्ट अकाउंटेंट। और इसमें फिर डिसीजन लेना कैजुअल इट इज हायर, तो हमने कैसे इसको डिक्रीज करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे हमने इसको कंट्रोल करना है, तो इसको मैनेज कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको हमने कम कैसे करना है, इसको डिसाइड करना इसके बारे में। तो ये डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा होता है बेसिकली? तो ये इस किस्म की जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है बेसिकली ये जनाब कौन डिसाइड कर रहा होता है? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इसलिए इसका नाम ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखा होता है कि मैनेज कर रहा होता है, इसके काम में डिसाइड करना, यही सारी चीजें वो डिसाइड कर रहा होता है। तो मीन्स हमारे पास जितनी भी कॉस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट के बारे में, ये दोनों इंटरनली हमेशा काम करते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट का काम जस्ट कैलकुलेट करना कॉस्ट को, और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये देख काम ये होता है कि उसको देखना कि कॉस्ट ज्यादा इनकर होती कैसे काम करें, क्या डिसीजन मेकिंग, क्या वर्किंग, तो इसके बारे में अप्लाई कर रहा होता है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री थोड़ी बात हम डिस्कस करेंगे इसके, इन्वेंट्री की भी हमने बात की कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज किया तो एंट्री क्या करते हैं और फिर ये मटेरियल इशू किस तरफ हो रहा होता है, फिर हमारे पास इसी तरह जब ये इशू हो रहा होता है तो कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी बातें। अच्छा ये सारी बातें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं चाह रहा हूं मैं किसी एक चीज पे जाऊं, ये तो आप स्टडी कर लेंगे यार, इसमें कोई बड़ी बात है। थोड़ा सा सिस्टम थोड़ी सी बात की भी यार यहाँ पे भी उसने यहाँ पे वही बात की भी कि क्या आता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, प्रीपोजिशन सिस्टम, चले आप बताए मुझे जरा। हरी एफक्यू क्लियर, ये सारी बातें मैंने पढ़ी नहीं काफी हद तक, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में करवाई ही नहीं। हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रीड आउट करें, कहता कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री इन द ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है हमारे पास, एंड परचेज जितनी भी आप परचेज कर रहे होते वो भी ठीक है, परचेज करके हम इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, और बोथ ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, एंड दैट्स क्लियरिंग इन बोथ अकाउंट्स। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और जितनी भी हम परचेज कर रहे होते हैं ये सारे का सारा हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम जब हमने पढ़ा था। अच्छा जी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन इन्वेंट्री काउंट एज एन एसेट, ये हमने बात की थी, इसमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड होती है। क्यों? हम एक पीरियड की वर्किंग कर रहे होते हैं कि इस एक पीरियड में हमने कितनी परचेजेस की, उसमें से जो इस्तेमाल कर लिया, जो हमने मटेरियल यूज कर लिया वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, सेल हो गया, और जो हमने इस्तेमाल नहीं किया जो बाकी बचा हुआ है वो हमारा एसेट है, वो हमारी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन द इन्वेंट्री अकाउंट एज एन एसेट, अ डेबिट बैलेंस, एंड अदर साइड ऑफ द एंट्री इज क्रेडिट टू द कॉस्ट ऑफ सेल। तो दूसरा हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस भी कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और इन्वेंट्री को हम डेबिट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंप्राइजेस परचेजेस इन द पीरियड एडजस्टेड फॉर मूवमेंट्स इन द इन्वेंट्री लेवल फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द पीरियड। अभी मैं इन एंट्रियां करके दिखाऊंगा ना आपको, तो फिर आपको और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़े क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी तो ये बात क्लियर होगी, हमने बात की थी यहाँ पे, क्या बात की थी बेटा हमने कि पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, जितनी भी ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, जितना भी आप ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन परचेजेस होती है सारा ऐड कर लेते हैं, इसमें से जो हमने सेल कर दिया वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास इन्वेंट्री और इन्वेंट्री एज एन एसेट आ रही होगी हमेशा। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा हमारे हमेशा हम इसको एडजस्ट करे होंगे इन्वेंट्री के लेवल के अकॉर्डिंगली, कि जितना हमने इस्तेमाल कर लिया और जितना हमारे पास रिमेनिंग पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको एडजस्ट करे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक सिस्टम, के एक पीरियड की बात क्योंकि हमने अकाउंट्स बनाने होते हैं तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं कि इस पूरे पीरियड में हमने कितना सेल कर दिया वो कॉस्ट ऑफ सेल में, जो नहीं किया सेल, जो स्टॉक बाकी बच गया वो इन्वेंट्री और एज एन एसेट रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो इन्वेंट्री की मूवमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर शो होती जा रही होगी।
अच्छा अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इस पे आते ये बातें हमने डिस्कस की भी, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब हमारे डिस्कस करने का एंगल डिफरेंट है, तो हम इसकी एंट्रीज भी करेंगे भाई। हाँ जी, परपेचुअल सिस्टम में कहा था सिंगल अकाउंट यूज टू रिकॉर्ड ऑल द इन्वेंट्री मूवमेंट्स, एक सिंगल अकाउंट यूज होगा, अकाउंट इज यूज टू रिकॉर्ड द परचेज इन द पीरियड, इन्वेंट्री इज ब्रॉट डाउन ऑन द अकाउंट एट ईच ईयर एंड, account is also used to record all the issues out of inventory, these issues constitute the cost of sales. Because when the perpetual inventory matter is used, a record is kept of all the receipts of items into the inventory and all issues of the inventory to the cost of sales. साथ साथ हम working करते जा रहे थे, parallel system होता है ना, तो साथ साथ working हो रही, कितना issue हुआ, कितना receipt हुआ, और balance भी साथ साथ adjust हो रहा होता है, हमें closing stock को manage नहीं करना पड़ता, साथ साथ adjust होता जा रहा होता है. Each issue of inventory is given a cost. हाँ जी, यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, कहते ईच इशू ऑफ इन्वेंट्री इज गिवन अ कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम इशूड इज आइदर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इफ इट इज प्रैक्टिसेबल टू एस्टैब्लिश एक्चुअल कॉस्ट और अ कॉस्ट ऑब्टेन यूजिंग अ वैल्यूएशन मेथड, यानी हम जितनी भी जब भी हम स्टॉक इशू कर रहे होते हैं, हम हर एक इशू पे उसकी वैल्यू करते हैं, देखना पीरियोडिक सिस्टम में बेटा ऐसा नहीं होता, हम ईच इशू जब भी स्टॉक को इशू करेंगे हम उसकी वर्किंग नहीं करेंगे, हमने एक पीरियड डिफाइन किया होता है कि छह महीने बाद या साल बाद या दो महीने, क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, सेमी एनुअली, एनुअली हमने टाइम फिक्स किया हुआ था कि उस टाइम के दौरान हम कहते हैं यार इस पूरे छह महीनों में कितनी हमने इश्यूज कर दी, उन तमाम इश्यूज की वैल्यू निकालते हैं और छह महीने के बाद जो बाकी बचा उसको हम स्टॉक यानी इन्वेंट्री शो करवा रहे होते हैं। पर परपेचुअल सिस्टम ऐसा नहीं होता कि हम छह महीने बाद वर्किंग करें, हम साथ साथ ही वर्किंग कर रहे होते हैं, तो लिहाजा ईच इशू ऑफ इन्वेंट्री जितने भी हमारे पास, हर दफा जब हम स्टॉक इश्यू करें तो ईच इशू ऑफ इन्वेंट्री इज गिवन अ कॉस्ट, तो हर दफा जब हम इश्यू करते हैं उसके साथ साथ ही वर्किंग करेंगे कि इतना इश्यू हो गया, इतना रिमेनिंग बच गया, इतना अभी स्टॉक है, इतना हम साथ इश्यू करते जा रहे हैं। सो एंड द कॉस्ट ऑफ आइटम इश्यूड इज, अब इश्यू की कॉस्ट या तो हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं या कोई एस्टिमेट करके निकाल रहे होते हैं, कहते हैं ईच रिसीट, सेम रिसीट, ईच रिसीट एंड इश्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉर्ड इन द इन्वेंट्री अकाउंट, यही फिर वही बात, साथ साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन होगा, छह महीने बाद इकट्ठा वर्किंग नहीं करेंगे, साथ साथ ही वर्किंग करेंगे। सो ईच रिसीट एंड इश्यू ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉर्ड इन द इन्वेंट्री अकाउंट, दिस मीन्स दैट द परचेज अकाउंट बिकम्स अननेसेसरी, परचेज अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हम साथ साथ ही वर्किंग कर जा रहे होते हैं कि हमें इतना परचेज कर दिया, फिर इतना इश्यू कर दिया, रिमेनिंग स्टॉक ये रह गया, फिर साथ साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, जबकि पीरियोडिक सिस्टम में हम कहते हैं यार पूरे छह महीने में टोटल परचेज इतनी हुई है, टोटल सेल इतनी होगी, रिमेनिंग टोटल हमारे पास इन्वेंट्री ये बचेगी, हम उसकी उसमें टोटल की बेस पे चलना होता है, यहाँ हर एक एक ट्रांजेक्शन की बेस पे चलना होता है, तो एक एक ट्रांजेक्शन में फिर वो परचेजेस पूरी टोटली इतनी इंपॉर्टेंट रहती नहीं है। दिस मीन्स दैट परचेज अकाउंट बिकम्स अननेसेसरी बिकॉज ऑल परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन द इन्वेंट्री अकाउंट, जितना भी परचेज कर रहे थे उस स्टॉक इन द इन्वेंट्री के तौर पर हम हर दफा बार बार रिकॉर्ड करते जा रहे होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द रिसीट इश्यू ऑफ द इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड एट एनी टाइम द बैलेंस ऑन द इन्वेंट्री अकाउंट शैल बी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करंटली हेल्ड, यानी किसी भी टाइम पे आप जाकर चेक कर सकते हैं जो भी उस टाइम पे स्टॉक बाकी बचा होगा, इन्वेंट्री वही बाकी बचेगी, उसकी हमने वैल्यू की होगी कि इसकी वैल्यू कितनी है, इस टाइम पे कितना शो हो रहा है, तो साथ साथ क्योंकि वर्किंग करते जा रहे होते हैं तो हर दफा हमें 200 परचेज किया रिकॉर्ड हो जाएगा, 200 में से 50 इशू किया तो हम वर्किंग करेंगे कि 50 इशू किया इसकी वैल्यू ये है, बाकी हमारे पास 150 रह गया उसकी वैल्यू ये है, इसमें हमने कुछ और परचेज कर दी फिर एंट्री, कुछ सेल कर दी फिर एंट्री, तो साथ साथ ही क्योंकि वर्किंग करते जा रहे होते हैं तो किसी भी टाइम पे जाके आप चेक कर सकते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, जबकि पीरियोडिक सिस्टम में आपने एक पीरियड के बाद ही वर्किंग करनी है, आप किसी भी टाइम पे जाके चेक नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू नहीं कर सकते आप, ठीक हो गया। तो एक दफा मैं चाहूंगा बेटा आप लोग जस्ट एक मिनट, दो मिनट लगा ले, आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को जस्ट गो थ्रू करना है, अभी ये स्क्रीन में आपके सामने है, जस्ट स्पेंड एक और दो मिनट स्पेंड करें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा और अच्छा आइडिया हो जाएगा, ये ऐसे हम चीजें सीखेंगे, ऐसे वन बाय वन क्लियर होंगी, एकदम से क्लियर नहीं होंगी, तो इसको थोड़ा एक दफा फिर गो थ्रू मारें, फिर आगे चलते हैं। एंट्रीज फिर मैं, एंट्रीज तो हो जाएंगी, थोड़ा मैं क्लियर हो जाएगा ना जब चीजें कैसे कंबाइन, परपेचुअल सिस्टम में कैसे होगा और पीरियोडिक सिस्टम में कैसे, कुछ एंट्रीज हमने की भी थी जब मैंने आपको पढ़ाया था, सब लोग हरी अब। मेन बात जो आपने याद रखनी है, पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है, एक पीरियड के बाद वर्किंग होती है, पूरे पीरियड के हम परचेजेस देते हैं और जो सेल हो जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, बाकी बचेगा इन्वेंट्री, वो एक एसेट है। परपेचुअल सिस्टम में परचेजेस इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि साथ साथ ईच इशू पे, ईच रिसीट पे हम वर्किंग करते जा रहे थे,
तो जो जो बाकी बैलेंस बचता जा रहा था किसी भी उसे हम इन्वेंट्री की वैल्यू करते जा रहे होते हैं, और जो हम इश्यू करते जा रहे होते हैं उसको एक्चुअल कॉस्ट या एस्टिमेटेड कॉस्ट से चला रहे होते हैं। जैसे एक मिनट गो थ्रू कर ले, हाँ जी यहां तक डन बेटा, सब पढ़ लिया जरा। चलो अब कॉस्ट के बारे में मैं आपको आइडिया दे दूं पहले जरा, थोड़ा सा कॉस्ट कैसे फ्लो करती है हमने पढ़ा भी पहले भी, एंट्री की भी थोड़ी सी, आपने भी कुछ एंट्री मुझे रिप्लाई किया। नॉर्मली क्या होता है, हम सबसे पहले परचेज कर रहे होते हैं, लाइक हम मटेरियल अकाउंट बना रहे होते हैं। यू आइडिया ले लें आप, हम एक बनाते हैं मटेरियल का अकाउंट, क्यों जी एक मटेरियल अकाउंट बना रहे होते हैं, टी अकाउंट बना रहे, डी अकाउंट बना रहे मटेरियल का, फिर एक लेबर का अकाउंट बना रहे होते, फिर हम ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट बना रहे होते, इसके अलावा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसका भी अकाउंट बना रहे होते। जितना भी हमारे पास मटेरियल हम परचेज कर रहे होते हैं तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, और कैश पे क्रेडिट किया तो कैश क्रेडिट, तो ये सारी चीजें यहां आ रही होती। जितना भी हमने मटेरियल परचेज किया होता है, हमने अगर क्रेडिट पे परचेज किया तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, और पेबल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। टी अकाउंट तो बनाना आता ना आपको, अगर मैं एंट्री करूं मटेरियल अकाउंट डेबिट और कैश को क्रेडिट तो टी अकाउंट में कहां आएगा, तो मटेरियल के अंदर ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, हमारे टी अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड पे आ रहा होगा कि मटेरियल अकाउंट इतनी अमाउंट से डेबिट है और हमारे पास कैश अकाउंट क्रेडिट है, या फिर मटेरियल अकाउंट डेबिट है और अकाउंट पेबल्स हमारे पास क्रेडिट है जनाब। इसी तरह से लेबर, जितने भी लेबर को हम हायर कर रहे थे, लेबर टू कैश अभी हमने बात की थी, तो लेबर को हम डेबिट कर रहे थे, कैश को हम क्रेडिट कर रहे होंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। इसी तरह हमारे पास जितने भी ओवरहेड्स लगाए जा रहे होंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, या पेबल्स ये जो भी अक्रूड वैल्यू होगी उसको हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये जितने भी हमारे पास मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड्स है, इस टाइम के डी अकाउंट बनते जाएंगे। इसी तरह हमारे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स है यार, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या करेंगे, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, फिर उसको नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डालते जाएंगे ना। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स जितने भी हमारे पास होगी वो अलग से ट्रांसफर हो रहे हैं कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट में हम इसको डालते जा रहे होंगे, इस पे वैल्यू आ रही है, इनकर हो रहे होंगे ना यहाँ पे, ऐसे ही है। अच्छा जी, एक तो ये चीज होगी। अब अल्टीमेटली फिर हमने बात करनी कि मटेरियल जब हमने इश्यू करना है तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर तो जनाब ये डायरेक्ट मटेरियल तो ये कहां जाएगा, ये निकल के यहां भी जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। हम एंट्री कर देंगे वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। अब वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर दे तो वर्क इन प्रोग्रेस की डेबिट साइड चला गया, तो मटेरियल से यहां से निकल जाएगा, लाइक यहां पर एंट्री आ जाएगी। इसी तरह यहां से ये डायरेक्ट लेबर, ये भी यहां जाएगी हमारे पास, हम वर्किंग प्रोग्रेस की डेबिट और लेबर्स या वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे आप। अच्छा जी, जितना भी हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा, उसको जो इश्यू करेंगे वो कहां ट्रांसफर हो रहा होगा, जरा मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ रही है, जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो कहां ट्रांसफर होती है, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो रही होती है, और जितनी भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जितनी भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है
वो हमारे पास ये सारे कंट्रोल अकाउंट्स है सर, इन अकाउंट। अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर इसको कंट्रोल अकाउंट्स क्यों बोलते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स बड़े इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल, एक तो ये है कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा दूसरी बात है कि मटेरियल अकाउंट, अगर मेरे पास मटेरियल ए कैटेगरी का है, मटेरियल बी कैटेगरी का है, मटेरियल सी कैटेगरी का है, तो ए बी सी तीन कैटेगरी के मटेरियल है, मैं तीन अलग से अकाउंट नहीं बनाता, यानी मटेरियल ए अकाउंट नहीं बनता, मटेरियल बी अकाउंट, मटेरियल सी अकाउंट होना तो ये चाहिए, तीन तरह के मटेरियल है तो तीन अलग अलग अकाउंट बनाऊ, तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक ही अकाउंट बना लेता हूं, जिसे कहते हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट का मतलब यह है कि ये हर तरह के मटेरियल को कंट्रोल कर रहा है, इसमें मैंने जितने मेरे पास डिफरेंट, अगर 50 कैटेगरीज ऑफ द मटेरियल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे मटेरियल अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास ये हर तरह के मटेरियल को देख रहा है। लेबर कंट्रोल अकाउंट को मतलब हर तरह के लेबर को देख रहा है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को मतलब हर तरह के प्रोडक्शन ओवरहेड्स को देख रहा होता है। अच्छा सर ये प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट कर देंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे होंगे। हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करेंगे और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे फॉर इनडायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट लेबर। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। जितनी भी हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है सारी की सारी वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो जाती है, और जितनी भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट लेबर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरह से हम इसको, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाएगी, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चली जाएगी। डन, यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा जी, अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर जितनी भी कॉस्ट होती है ये यहां से कॉस्ट, इसमें अब हमारे पास पहले भी कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ी थी, अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया, तो जितनी भी प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट होगी ये भी सारी वर्क इन प्रोग्रेस में चली जाएगी। हम यू कर देंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे और प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होंगे। यानी हमारे पास शुरू में हम कैटेगराइज करते जा रहे होते हैं, शुरू में कैटेगराइज कर रहे होते हैं, जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हम वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट कर रहे होते हैं। तो अब हम यहां से वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जितनी भी कॉस्ट हुए सारी की सारी हमारे पास वो वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है ये पहले बताया मुझे, जो सब लोग बताए वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? सजेस्ट दीख बेटा आप बताओ मुझे वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, फिर आपको ये बात क्लियर होगी। हाँ जी, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन आर नॉट रेडी, अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, और कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, कन्वर्टिंग नॉट कन्वर्ट, कन्वर्टिंग ठीक हो गया। अच्छा, इसका वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि वर्क अभी प्रोग्रेस में, काम अभी हो रहा है, इसका मतलब फिनिश नहीं हुआ। तो फिनिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें हम खाली डायरेक्ट कॉस्ट लगाई, देखे ना कॉस्ट के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे यार, कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कॉस्ट कंप्लीट कैसे होगी? जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सारी कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड, ये कॉस्ट के कंपोनेंट है, ये क्लियर है आपको? नहीं, मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐसे ही है। अब अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस में अभी तक क्या लगा होता है जनाब? अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस में, वर्क इन प्रोग्रेस में खाली डायरेक्ट कॉस्ट लगी होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड तो लगे ही नहीं है, इसलिए हम ओवरहेड्स को भी लाके यहां लगा देते हैं ताकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वर्क इन प्रोग्रेस अब ना रहे, ये फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी कॉस्ट को कंप्लीट करने के लिए तीन एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स पूरे चाहिए हमें, हमें डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, हमें डायरेक्ट लेबर चाहिए और प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए। अभी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जब हम लगाते हैं तो इसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक हमने ये कंपोनेंट जस्ट लगाया, अभी तक अगर हमने ये कंपोनेंट लगाया तो इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। काम अभी प्रोग्रेस में, काम अभी हो रहा है, काम अभी प्रोग्रेस में, जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दे रहे होते हैं।
अच्छा जी, अच्छा एक चीज मैं अभी बता दूंगा बाद में भूलना चाहूँ, मैंने इस सैटरडे आपकी क्लास जरूर लेनी है, आई विल मस्ट टेक यू क्लास ऑन दिस सैटरडे, टाइमिंग का मैं कन्फर्म कर दूंगा लेकिन क्लास मस्ट है ये। हाँ जी, यहां तक बात समझ आ गई बेटा? तो वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, अभी तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट के सारे कंपोनेंट पूरे करने पड़ेंगे, ओवरहेड भी यहां लाके हम ट्रांसफर करते हैं, जब ओवरहेड भी हम यहां लाके ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब अब ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जब ओवरहेड भी कॉस्ट यहां लाके हम एड करते हैं अब ये कॉस्ट कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं, जब पूरे हो जाते हैं तो ये जो कंपोनेंट निकलता है ये अभी फिनिश हो चुका है, इसलिए हम क्या करते हैं यहां फिनिश गुड्स का एक अकाउंट बनता है, ये सारी कॉस्ट अब कहां ट्रांसफर होती है, फिनिश गुड्स में जाकर ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि अब ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, ये कंप्लीट हो चुका, तो वर्क इन प्रोग्रेस में जब हम प्रोडक्शन ओवरहेड एड करते हैं तो फिर ये वर्क इन प्रोग्रेस रहता नहीं है, ये कंप्लीट हो जाता है, कॉस्ट के सारे कंपोनेंट कंप्लीट हो जाते हैं, जब कॉस्ट के सारे कंपोनेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो ये वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, इसका मतलब कॉस्ट कंप्लीट हो चुकी है, प्रोडक्ट बन चुकी है, जब प्रोडक्ट बन चुकी होती है सारी सारी कॉस्ट हम लगा चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुकी है तो ये सारी कॉस्ट पे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, वर्क यहां पे हम फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर करते हैं, ये कॉस्ट हमारे पास फिनिश हो चुकी है, फिनिश हो जाएगी तो हमने क्यों बनाया इसको, सेल करने के लिए यार, तो मार्केट में जाके उसको सेल कर देंगे हम, तो जब मार्केट में जाके उसको सेल करेंगे तो फिर हम अपनी जो सेल करेंगे तो अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो इनकम स्टेटमेंट जाके उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा, यानी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, फिर ये सारी वैल्यू वहां ट्रांसफर, लेकिन जो हमारे पास ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, एडमिन हो गया, सेलिंग है, जो भी हमारे पास इसके अलावा होते हैं प्रोडक्शन के अलावा, ये सारे हमारे पास एक्सपेंस आउट होते हैं इनकम स्टेटमेंट में जाके, आपको पता ही है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं या कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, उसमें बाद में हम एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, वो सारी कॉस्ट हम बाद में माइनस कर रहे होते हैं, तो वहां से हम बाद में जाके सबको हम माइनस कर रहे होते हैं, बाद में माइनस किया जा रहा, तो ये इस तरह से हम बाद में इसको वहां से जाके हम माइनस करवा रहे होते हैं। हाँ जी, यहां तक कोई इश्यू बना है, ये आपके सामने मैंने थोड़ा सा कॉस्ट फ्लो बनाया है, यानी इसमें स्टेप्स क्या लगाए मैंने, सबसे पहले क्या किया मैंने, अप्रोप्रिएट अकाउंट्स बनाए मैंने, मटेरियल का अपना अकाउंट बनाया बेटा, लेबर का मैंने अपना अकाउंट्स बनाया, प्रोडक्शन ओवरहेड का मैंने अपना अकाउंट बनाया, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं बेटा, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, ये कभी भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाते, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू जब स्टेटमेंट बना रहे थे, हमने देखा था हम सेल लेते हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सी कॉस्ट आती है, जो कॉस्ट ऑफ सेल में हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आती है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, उसको बनाने की जो कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं इसकी जो कॉस्ट होती है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जाती, ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जा रही होती, ये हम ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में निकालने के बाद में एंड पे हम इसको माइनस कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा बाद में माइनस होते हैं, इसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहे होते, क्यों जी, यहां तक बात क्लियर होगी, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड कभी भी कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाएंगे, ये एंड पे जाके हम ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस कर देते हैं, ये जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, थोड़ा मुझे एक आइडिया मैं आपको दू आपको, कि सबसे पहले हम सेल लेते हैं उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर बाकी सारी कॉस्ट माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट आता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या होता है ये बताएं जल्दी में, जल्दी मैं आपको थोड़ा एक और आइडिया दूंगा, ये हम ऐसा क्यों नहीं करते कि सेल में से सीधे से सारी कॉस्ट माइनस कर दें और प्रॉफिट निकलाए, ये हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने बैठ जाते हैं फिर नेट प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या है जल्दी,
हाँ जी बिजनेस आंसर के प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस के, बिल्कुल ये बात ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन डिडक्शन होता है, नहीं यार ऐसे कौन सी बात हुई। उल्टा लिख दिया इमरान खान बेटा, आपने उल्टा लिख दिया। चलिए मैं बताता हूं आपको, सेल में लेते हैं, सेल में पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में कौन सी कॉस्ट आती है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट, जितना भी हमने सेल किया सेल में से खाली उसको बनाने की कॉस्ट, उसकी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट माइनस करते हैं। तो सेल में से खाली उसको बनाने की कॉस्ट, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, उसकी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंपनी का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है खाली उसकी कॉस्ट माइनस करते हैं। तो सेल में से खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर हम जितने भी हमारे नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, हमारे पास रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी एडमिन सेलिंग मार्केटिंग बाकी जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं उसके उनकी कॉस्ट को भी माइनस करते हैं, देन हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो सेल में हम खाली पहले प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, बाकी जितने भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा होता है। लिहाजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल में जाना होता है। तो इसलिए यहां भी मैं जो सारी मैंने अप्रोप्रिएट अकाउंट्स बनाए, अकाउंट्स बना के मैंने इसकी शिफ्टिंग की है। तो ये मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने अप्रोप्रिएट अकाउंट्स बनाए, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का, प्रॉपर अब मैंने अप्रोप्रिएट अकाउंट्स बनाए। तो जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट थी मैंने वो ट्रांसफर कर दी वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर, और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी वो मैंने ट्रांसफर कर दी ओवरहेड्स के अंदर। फिर मैंने क्या किया, ओवरहेड की कॉस्ट को भी मैंने ट्रांसफर कर दी वर्किंग प्रोग्रेस में। फिर वर्किंग प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दी फिनिश गुड्स के अंदर। फिनिश गुड्स से सारी की सारी कॉस्ट मैंने कहां ट्रांसफर कर दी, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, क्या या इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम दे लेंगे, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर या इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये सारी की सारी कॉस्ट मैंने ट्रांसफर कर दी इस तरह से जनाब। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? क्योंकि सब लोग देखे इसको, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है, काफी हद तक चीजें हम डिस्कस कर ली हैं। कोई इशू भी यहां तक, कोई सवाल बेटा आपका? हरी अब सब लोग आई थिंक फॉर टूडे काफी आज के लिए, क्या ख्याल आपका, क्या ख्याल काफी और पढ़ लें? ये सारे काम कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो सारे काम कंट्रोल अकाउंट ही कराते हैं बच्चे, पूछो कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे एक हेड का एक ही अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग अकाउंट ही बना रहे थे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग अलग बनाते हैं, बाद में इकट्ठे करते हैं, उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो ये जो अकाउंट बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, तो ये सारे कंट्रोल अकाउंट ही बन रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल आज के लिए काफी है यार, अच्छा मैनेजमेंट को कहें कि लेक्चर टाइम पे अपलोड कर दीजिए, मैंने कहा है उनको वो कहते हैं ये हमारा एक सिस्टम है, हम सिस्टम के थ्रू चलते हैं। खैर अजीब तरह सिस्टम ने कहा है उनसे, ये लेक्चर अपलोड कर दिए, अगर डिलीट ना करें उसमें पड़े रहने से, बच्चे का जब दिल करे रिवाइज कर लीजिए, उसमें चीजें होनी चाहिए। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, आई थिंक अभी भी ऐसा नहीं होगा, वो उनका ये होगा कि रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट के बाद फिर हम उसको प्रॉपर उसमें से लेके चले, आई थिंक शायद ऐसा है। बट मैंने डिस्कस किया उनसे कि यार ऐसा ना करें, उसमें लेक्चर्स अपलोड कर दिए करें, ये पुराने लेक्चर्स अपलोड कर दें।
Any other issue? अच्छा आयशा कह रही जनाब ये लेक्चर हाँ बिल्कुल ऐसे लास्ट टाइम ऐसा नहीं था लेट नहीं करते कभी नहीं होते बच्चों को बस पुराने लेक्चर पढ़े तो सुनते रहते बच्चों अच्छा जी कोई और चीज और आपके माइंड में ये तो बाद में समझ आएगी आई कैन डिस्कस इसके अलावा कोई और इशू Admin, everything is okay. अच्छा आपने करना क्या है मैं थोड़ा सा से बता दूं आपको आपने चैप्टर से गो थ्रू करना यार चैप्टर से थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा स्टडी टेक्स्ट लेके इस चैप्टर को थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा थोड़ा ड्राई सा चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एंट्री ऐसी है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर इसलिए आपने इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना है वहां थोड़ा सा आपने अपने स्टडी टैग से इसको गो थ्रू कीजिएगा दो चार चार अगले पेजेस जो पढ़ लीजिएगा उसमें देख लीजिएगा इसी तरह के अकाउंट्स हमने बनाने आसान है इस लिहाज से जल्दी इसको हम कर लेंगे इंशाल्लाह सो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशियंट सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो बेटा आज के लिए काफी जनाब इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे सो थैंक यू वेरी मच Thank you.